सो गाइस, रिसेंटली भारत में वीपीएन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें क्या हुआ, वीपीएन का मेन यूज ही खत्म कर दिया गया है। भारत ने बोला है कि भाई वीपीएन कंपनी को कि आपको अब यूजर का डाटा है जो है सेव करके रखना पड़ेगा, यूजर क्या क्या सर्च कर रहे हैं, कब कब सर्च कर रहे हैं, कहाँ से सर्च कर रहे हैं, सब कुछ जो डाटा है वो जो वीपीएन कंपनी है वो सेव करके रखेगी, और गवर्नमेंट कभी इसको मांगेगी तो वीपीएन कंपनी को उनको देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ गाइस, जो मेन यूज था वीपीएन का, जिसके लिए लोग वीपीएन को यूज करते थे कि कोई उनको ट्रैक ना कर पाए, वो क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं कोई देख ना पाए, तो वो मेन यूज ही खत्म हो गया। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस रूल के आने के बाद भी सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो कि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए। सो हेलो गाइस, मैं हूं एनकी प्रजापति, आपका होस्ट, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो नए वीपीएन रूल के बाद भी। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि जो नए रूल आए हैं वीपीएन को लेकर के, उसमें ये कहा गया है कि आप वीपीएन कंपनी को जो है यूजर का डाटा सेव करके रखना है, और कभी गवर्नमेंट अगर मांगेगी तो वो डाटा उनको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आप पर नज़र लगड़ा के बैठी है, ये गाइस तब है कि आपने कुछ गलत काम किया एंड तभी गवर्नमेंट आपकी डिटेल निकलवाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में करोड़ों यूजर हैं वीपीएन को यूज करने वाले, लाखों करोड़ों। अब गवर्नमेंट के पास इतना वेला टाइम तो है नहीं कि वो हर एक यूजर को ट्रैक करे कि भाई ये बंदा क्या सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना गाइस। बस ये रूल इसलिए है कि कभी किसी बंदे पर शक अगर होता है कि ये बंदा इनलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, ये बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, तब गवर्नमेंट वीपीएन कंपनी को बोल के उसका डाटा निकलवा सकती है। तो स्टिल जो वीपीएन है वो सेफ है, आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ ना यूज करने से तो बढ़िया है कि आप वीपीएन यूज करो, क्योंकि अभी तक वो सेफ है। और इसका मतलब ये है कि भाई जो पहले जो बिल्कुल वो था ना, बिल्कुल निसंदेह वाला कि हमको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी वीपीएन सेफ है। लेकिन अगर आप जो है ये भी नहीं चाहते कि आप बिल्कुल ही सेफ ब्राउजिंग करना चाहते हो, तो इसका सोल्यूशन भी है। उसका सोल्यूशन है गाइस टोर ब्राउजर। अब टोर ब्राउजर क्या बवाल चीज है गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपके मोबाइल में नॉर्मल ब्राउजर होते हैं, जैसे क्रोम है, ओपेरा मिनी है, यूसी था और ब्रेव है, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं। तो ये जो ब्राउजर है नॉर्मल ब्राउजर है, इस पर आपको कोई भी ट्रैक कर सकता है कि आपने क्या सर्च करा, क्या देखा। लेकिन टोर ब्राउजर का जन्म ही गाइस इसलिए हुआ था कि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। टोर ब्राउजर गाइस बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, और इसको ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है, कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता। तो आप टोर ब्राउजर के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे सेफली ब्राउजिंग कर सकते हो। और टोर ब्राउजर जो है गाइस अभी तक तो भारत में बैन नहीं हुआ है, इन फ्यूचर बैन हो जाए तो गाइस उसका कुछ कह नहीं सकते बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले रही है। तो आप टोर ब्राउजर को यूज़ कर सकते हो, उसमें आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह में भी टोर ब्राउजर का सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे वापस से, बिकॉज टोर ब्राउजर में गाइस बहुत सारी लेयर होती हैं सिक्योरिटी की, जिनको ब्रेक कर पाना गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें इनबिल्ट वीपीएन भी होता है, तो इसमें क्या होगा कि कोई बंदा आपको ट्रैक करने की कोशिश भी करेगा तो एक टाइम तक वो फंस जाएगा, बिकॉज बहुत सारी इसमें लेयर है, उसके बाद आपका डाटा आता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नामुमकिन है लगभग आपको ट्रैक कर पाना। तो अगर इस टोर ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप बिल्कुल ही सेफ हो जाओगे, अपनी संदेह हो के आप कुछ भी सर्चिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ मत करना गाइस, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया आपको नॉर्मल यूज करते हो कि नॉर्मल ज़्यादा आप कुछ इनलीगल काम नहीं कर रहे, कुछ बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं कर रहे, तो आप अभी भी वीपीएन का यूज़ करके गाइस ब्राउजिंग कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो गाइस इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी नई जो इन्फॉर्मेशन है जो वीपीएन के रूल आए थे उसके बाद भी कैसे से ब्राउजिंग कर सकते हैं वो जान सके। तो इनको वीडियो शेयर कर देना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी कमाल कमाल वीडियोस लाता रहूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।